थोड़ा खींचते हैं बाइक को। वाओ यस, देखिए मतलब बिल्कुल भी। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु में मितेंद्र। दोस्तों फाइनली आज रिव्यू करने वाले हैं इंटरसेप्टर बीयर 650 सीसी मॉडल, एंड दोस्तों ये है गोल्डन शेडो कलर। एंड दोस्तों इसका डिटेल में इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं, क्या ये बाइक एक्चुअल में वर्थ है, इंटरसेप्टर का कंपैरिजन भी होगा, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस बाइक में क्या क्या चीज देखनी चाहिए परचेज करते टाइम, वो सारी चीजें। आई नो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी इसके अंदर, थोड़ा लेट वीडियो है बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो ना कवर होगी, एंड थोड़ा सा मार्केट रिव्यू भी इस पे जो हम कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, डिटेल वॉकराउंड दूं उससे पहले, अगर मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव आपको टाइम टाइम आ सके। दोस्तों बाइक का लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है, जो स्क्रैम्बल लुक कंपनी ने देने की कोशिश की है वो एक्चुअल में देखने को मिल रहा है, एंड इंटरसेप्टर से मुझे फार 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 बेटर लुक जो है डेफिनेटली जो है इस बाइक का देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग से एंड तक वॉक अराउंड देता हूँ, उससे पहले अगर मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टाइम आ सके। दोस्तों अगर फ्रंट से स्टार्ट करें तो टायर जो आप देखेंगे ये 100 ब्रॉड टायर है, ड्यूल पर्पस टायर जो है MRF का देखने को मिल रहा है, एंड इसमें क्रॉस स्पोक्स होते तो बहुत ही अच्छा लगता, बट ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, इसके अंदर जो है ट्यूब जो है डला हुआ है, ये नॉर्मल स्पोक व्हील्स जो दे रखा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो इसका हब जो है ये भी थोड़ा डिफरेंट जो दिया हुआ है, यहाँ पे USD फोक्स जो है गोल्डन कलर के, बहुत ही अच्छा हाईलाइट दिख रहा है, हालांकि गोल्डन शेडो में ही जो है ये गोल्डन है, बाकी सब में आपको नहीं देखने मिलेगा। 130 का ट्रैवल जो है ना वो दिया हुआ है, जो इंटरसेप्टर में फ्लोटिंग डिस्क आती थी वो जो है इसमें से निकाल दी गई, ब्रेबरी की जो है ड्यूल पिस्टन कैलिपर जो है ड्यूल चैनल ABS के साथ में वो देखने मिल रहा है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर जो है देखने मिल रहा है। हालांकि मुझे ना बहुत अच्छी क्वालिटी जो है ना डिफरेंस बहुत सारे फील हुए, वो वीडियो में आपको हाईलाइट करते जाऊँगा। हेडलाइट LED हेडलाइट जो है अब आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही डिसेंट फोकस देता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा फोकस दे रहा है बट डिसेंट फोकस जो आपको दे देता है, एंड 19 इंच का जो है व्हील जो है वो इसके अंदर दिया हुआ है, एंड थोड़ा सा यहाँ पे भी जो है डिफरेंस दे दिया गया है, ये जो क्लैंपिंग है फ्रंट मडगार्ड की वो भी थोड़ी डिफरेंट दे रही है, हालाँकि ये प्लास्टिक है। यहाँ पर इंडिकेटर्स जो हैं दोस्तों वो भी LED दे दिए गए हैं इसके अंदर, जो कि अलग लुक जो है थोड़ा दे रहे हैं इसको। ये जो अपसाइड डाउन फोक्स है दोस्तों ये सोहा का है, सोहा ब्रांड का है, थोड़ा स्टिफनेस जो है एक्चुअल में फील होता है इसमें, बट मल्टी रोड्स के लिए बहुत ही अच्छा वर्क जो है करता है। अब अगर हैंडल बार में आए तो ग्रिप्स जो है वो स्टैंडर्ड रॉयल इनफील्ड जो अभी सब में दे रही है वही जो है, स्विच असेंबली वही सब देखने मिल रही है, थोड़ा हैंडल जो है इसमें ब्रॉड दिया हुआ हल्का सा इंटरसेप्टर से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपको दिखाई देगा, थोड़ा ब्रॉड हैंडल बार है। TFT स्क्रीन जो है दोस्तों सेम हिमालयन वाली TFT स्क्रीन जो है इसके अंदर दी गई है, जो कि बियर 650 सीसी के साथ में जो है इंट्रोड्यूस होती है, एंड बहुत ही अच्छा जो है थोड़ा फ्लिकर आपको देखने को मिल रहा होगा, बट बहुत ही अच्छा सब रॉयल एनफील्ड की सबसे अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है अभी तक आई है, जिसमें कि आप मिररिंग नेविगेशन जो है वो भी कर सकते हैं, बाकी डिफरेंट मोड्स हैं, स्विचेबल ABS भी जो है यहीं से जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ चार्जिंग पॉइंट जो है यहाँ पर दे रखा है इसमें, तो ईजिली एक्सेसिबल है, यहाँ पर आप चार्जिंग पॉइंट जो है सी टाइप का वो यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी एडजस्टेबल लीवर जो है दिए हुए हैं, लीवर का यूज़ करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, यहाँ से थोड़ा पुल करिए एंड रोटेट करिए तो ये आगे पीछे आप कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट मत रोटेट करिए, ये प्रॉपरली आगे पीछे नहीं होगा, एंड यहाँ पर आप होम बटन देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी हेडलाइट के लिए पास के लिए यहाँ पर स्विचेस दे रखे हैं, यहाँ पर एक ट्रिगर जो है वो दे रखा है, हॉर्न की अगर बात करें तो हॉर्न भी डिसेंट है, डिसेंट हॉर्न दे रखे हैं, ड्यूल हॉर्न जो है आपको इसमें मिल जाते हैं, ड्यूल हॉर्न इसमें मिल रहा है आपको, बाकी यहाँ पर दोस्तों आपको हैजार्ड स्विच जो है वो मिल रहा है, यहाँ से आप हैजार्ड जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड यहाँ पर एक मोड बटन जो है यहाँ पे जो है दिया गया है, एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि रॉयल एनफील्ड ने इस बार मिरर्स जो है ना वो चेंज कर दिए, जो स्टैंडर्ड मिरर सब में यूज़ किए जाते थे अब इसमें जो है वो मिरर्स नहीं देखने मिल रहे हैं, एंड यहाँ पर जो है आपका रॉयल एनफील्ड का लोगो भी जो है वो देखने को मिलता है। ये तो बात हुई फ्रंट असेंबली और हैंडल बार की दोस्तों, अगर टैंक में आया तो टैंक सेम साइज़ का दे रखा हुआ है 13.7 लीटर्स का, जिसको आप 90% फिल कर सकते हैं, एंड सेम टैंक का कैप वही वाला दे रखा है, यहाँ पे बियर का लोगो देखने मिल रहा है, स्टैंडर्ड रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है नए ग्राफिक के साथ में वो जो है दिया गया है। अगर इसके नीचे आएँ तो 650 सीसी का इंजन जो है वो आपको देखने मिल रहा है, थोड़ा सा पावर जो है ट्यूनिंग जो है वो भी चेंजेस में
किए गए हैं, साथ ही साथ सिंगल जो एग्जॉस्ट है, 2-in-1 एग्जॉस्ट जो है सिंगल साइड, वो भी जो आपको देखने मिल रहा है वो भी हाईलाइट है। हालांकि आफ्टर मार्केट आप अपनी इंटरसेप्टर में फिर जीटी में जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, बट कंपनी फिटेड के साथ में मज़ा अलग होता है। एंड एक और चीज़ जो लो इंटरसेप्टर यूजर्स को प्रॉब्लम था ना, वो ये क्लच वायर का, क्लच वायर जलने का जो है बार बार यहाँ से निकल रहा था, तो इसमें जो है यहाँ से क्रॉस करके ही जो है क्लच वायर दे दी गया, जो कि रॉयल एनफील्ड थोड़ा बहुत ध्यान दे रही है मतलब यूजर्स के रिव्यू में। एंड थ्रोटल बॉडी भी डिफरेंट की हुई है, बहुत सारी चीज़ें जो है इंजन में हल्की फुल्की ट्यूनिंग की भी चेंजेस जो है वो किए गए हैं। एग्जॉस्ट नोट में आखिर में सुनाता हूँ। फुटपैक की अगर बात की जाए तो ये भी जो है थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है, थोड़ा ड्यूल पर्पज़ टाइप का, ऑफ रोड टाइप का जो है दिया गया है। हिमालयन से ही जो है ये फुटपैक जो है देखने को मिल रहा है। रेयर में सेम स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा इसमें जो है पैटर्न हल्का चेंज किया हुआ है, बाकी कम्फर्ट जो है चलाने में वो हम राइडिंग के टाइम में बात करेंगे। तो दोस्तों जो भी प्लान कर रहे होंगे इस बैंड पाइप को अपने इंटरसेप्टर में या जीटी में लगाने की, थोड़ा मुश्किल होने वाली है, बिकॉज यहाँ एरिया में जो है आप देखेंगे कैथलेटिक कन्वर्टर जो है इतना बड़ा दे रखा है। हालांकि यहाँ से कट करके जो है बाकी सब जुगाड़ किए जा सकते हैं, बट डायरेक्ट फिट जो है वो इजीली नहीं होगा। एंड दोस्तों सस्पेंशन रेयर का जो इंटरसेप्टर का था वो बहुत ही बेटर था, मुझे BR650cc का उतना पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा स्टिफनेस जो है राइडिंग के टाइम पे आ रही है, राइडिंग के टाइम पे उस पर बात करेंगे। चेसिस फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा अप जो है वो किया गया है, रेयर में 17 इंच का व्हील जो है दिया गया, 140 ब्रॉड टायर, सेम ड्यूल पर्पस MRF के टायर जो है वो दिए गए, सिंगल पिस्टन कैलिपर जो है यहाँ पे आपको देखने वाला वेबरी का। ब्लॉक पैटर्न्स की वजह से ना टायर एक्चुअली में 140 ब्रॉड है, बट अच्छा खासा ब्रॉड जो है देखने मिल रहा है। रेयर का टेल लाइट जो है वो भी LED दे दिया गया है, एंड साथ में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये LED इंडिकेटर्स भी जो है यहाँ दे दिए गए। सीट दोस्तों सीट हाइट एक्चुअल में इंक्रीज हुई है, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज हुआ है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज हुआ है, सीट हाइट भी इंक्रीज हुई है, एंड सीट कम्फर्टेबल तो है ठीक है, बट लेग जब बैठ रहे हैं तो प्रॉपरली जो है नीचे तक नहीं पहुंच पा रहे, जैसे कि इंटरसेप्टर में पहुंचते थे आराम से, उतना कंफर्टेबली जो है इसमें नहीं पहुंच रहे। अगर आपकी हाइट 5.5 से ऊपर है ना तो ही इसको परचेस करिएगा, वरना टेस्ट राइड करके ही जो है परचेस करने की प्लान करिएगा, बिकॉज थोड़ा डिस्कम्फर्ट जो है फील होता है, बिकॉज ये थोड़ा सा ब्रॉड भी है ठीक है। तो अगर आपकी हाइट 5.5 से ऊपर है तो ही प्लान करिएगा। बाकी जो कुशन है वो मीडियम सॉफ्ट कुशन जो है वो दिया हुआ है ठीक है, थोड़ा कुशनिंग रहती, बैठने के बाद थोड़ा कुशनिंग रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड सारी गार्ड जो है वो दिया हुआ है, एंड फुट पैग और यहाँ पे गियर लीवर जो है वो स्टैंडर्ड इंटरसेप्टर वाले जैसे ही दे रखे, थोड़ा सा दूर जो है वो हल्का सा करने की कोशिश की है, बाकी इसमें मेजरली मुझे कुछ उतना ज़्यादा चेंजेस जो है वो नहीं दिख रहा है। एंड दोस्तों एक और चीज़ रिमूव कर दिया है स्क्रैम्बलर के नाम पर, यहाँ पर मेन स्टैंड जो है ना वो नहीं आ रहा है, तो आपको इसमें मेन स्टैंड जो है वो नहीं मिलेगा, साइड स्टैंड ही मिलने वाला है, तो ये एक चीज़ कर दिया, बट साइड स्टैंड की क्वालिटी जो है वो चेंज की है। मैंने कह रहा हूँ सब में ही कुछ ना कुछ वर्किंग जो है की है, इंटरसेप्टर बेस मॉडल है बट इंटरसेप्टर से बहुत सारे डिफरेंस जो है ना इसमें दिख रहा है। चेसिस फ्रेम जो है आपको इंटरसेप्टर वाला दिखने मिलेंगे, बट छोटी छोटी चीज़ों पर भी ना रॉयल एनफील्ड ने वर्किंग जो है वो एक्चुअल में दिखाई दे रही है। एक चीज़ और दोस्तों, फ्रंट में ही जो है यहाँ पर RR यूनिट जो है दे रखा है, पहले नीचे की तरफ में आता था एंड अभी जो है आगे तरफ में दे दिया, कूलिंग की वजह से जो है RR यूनिट के वो यहाँ पर अभी इंस्टॉल कर दिया गया। हालांकि पहले ये खाली होता था, यहाँ पे सिर्फ आपको जो ऑयल फिल्टर था वही देखने मिलता था, तो यहाँ पे ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब दोस्तों बात करके अगर प्राइसिंग की, तो दोस्तों ये 3,39,000 to 3,59,000 की जो है एक्स शोरूम बाइक पड़ रही है। इस कलर की अगर प्राइसिंग की बात करें तो 3,51,000 एक्स शोरूम प्राइस है, एंड 4,10,000 to 15,000 के आसपास में फुल एसेसरीज के साथ में सारे जो एक्सटेंडर वारंटी सब कुछ इंक्लूड कर दिया, तो 4,15,000 के आसपास में जो आपको ये ऑन रोड पड़ने वाली है। एंड प्राइसिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे चेंजेस एक्चुअल में किए हैं, जल्दी इसको ऑन राइड लेते हैं मतलब राइड करते हैं, और उस समय भी एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसी मुझे ये बाइक लग रही है चलाते वक्त। तो फाइनली अब राइड करने वाले हैं BR650cc, एंड अब देखते हैं रोड पे कैसा परफॉर्म करती है। हालांकि मैं थोड़ा चला के तो आया हूँ, बट आपके साथ में बात भी करेंगे। ये देखिए साउंड आप देख सकते हैं, साउंड जो है इंटरसेप्टर थोड़ा कम है बट साउंड डिफरेंट जो है डेफिनेटली कर रहा है। हैंडल बार वाइड होने की वजह से ना मुझे टर्न रेशियो थोड़ा ज़्यादा जो है हल्का सा फील हो रहा है, हालांकि मे बी नहीं होगा। वाइड हैंडल बार है,
एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इंजन, और के इंजन ये देखिए, वाह सिक। मेरे इंटरसेप्टर में मुझे ये फील होता है, बट थोड़ा मैं इसमें ऊंचा फील जो है कर रहा हूँ। फुटपैक भी जो है थोड़े ज़्यादा ही कंफर्टेबल जो है इसमें फील हो रहे हैं। इंटरसेप्टर में थोड़े पतले जो है फुटपैक हैं, हालांकि आप वो अपग्रेड जो है डेफिनेटली कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मुझे ड्यूल वाला ज़्यादा पसंद है, सिंगल वाला जो है अपग्रेडेड है इसलिए पसंद आ रहा है। TFT स्क्रीन, बट सस्पेंशन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सारे रोड के जितने भी जर्क हैं वो मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। बट इंटरसेप्टर में उतना फील जो है वो नहीं होता, और ख़ासतौर से रेयर सस्पेंशन जो उसका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रंट सस्पेंशन भी जो है कन्वेंशनल फोक, वो भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये जो फ्रंट USD फोक्स है, मैं उतना बड़ा फ़ैन नहीं उसका, हालांकि एक अच्छा फीचर है डेफिनेटली, बट मैं इसका इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। माइलेज की बात करें दोस्तों, तो 22 टू 23 24 के आसपास जो है देगी अगर हाईवे पे जाएंगे, और 25 तक भी ये माइलेज जो है वो डेफिनेटली दे सकती है आपको। तो बाइक में अगर कंफर्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो यस कंफर्टेबल है इसमें। अगर आप चाहें तो लॉन्ग शॉर्ट राइड्स भी जो है डेफिनेटली कर सकते हैं। सिटी में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगी, बिकॉज एक दो तीन गियर में ना उतना मज़ा नहीं आता है। जब इसको थोड़ा सा हाईवे पर चलाया जाए 6th गियर तक, तो वो एक अलग जो है मज़ा जो है फील आता है, कंट्रोल देखने को मिलता है। बट सिटी में इंजन बहुत हीट जो है वो 650cc का देखने को मिलता है। इसमें गियर इंडिकेटर्स भी सामने दे रखे हैं एंड स्पीड भी सामने दिख रहा है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है वो टोटली थम्स अप है। मुझे लगता है कि अब रॉयल एनफील्ड सभी बाइक्स में जो है धीरे धीरे इसको इंट्रोड्यूस करेगी। GT जो न्यू आने वाली है, मे बी उसमें जो है आपको कुछ और अपग्रेड जो है वो देखने को मिले फेयरिंग के साथ में। आपको कौन सा कलर पसंद आया? मुझे तो ये जो गोल्डन शेडो है डिसेंट कलर है, तो पसंद आ रहा है। बाकी जो फंकी कलर्स हैं वो उतने पसंद जो हैं मुझे उतने नहीं आ रहे, बट अपना अपना कलर चॉइस है। थोड़ा खींचते हैं बाइक को। वाओ यस, देखिए मतलब बिल्कुल भी आपने देखा 3rd गियर तक में ही मैं आराम से 70-80 के आसपास जो है तुरंत पहुँच गया। तो यस, इंजन तो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया, तो मुझे मालूम ही है कि यार इंजन में नो डाउट, आँख बंद करके ले सकते हैं इंजन में। अपग्रेडेड बाइक भी है डेफिनेटली, आप परचेज कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों आपने देखा राइडिंग एक्सपीरियंस, एक वॉक अराउंड, एंड आपको परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वर्थ है कि नहीं। दोस्तों मुझे डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड की वर्किंग बहुत ही सही लग रही है। हालांकि इस कलर्स जो ये कलर जो आप देख रहे हैं गोल्डन शेडो, बहुत ही डिसेंट कलर है। बाकी सारे कलर थोड़े ज़्यादा ही फंकी कलर जो है दे दिए गए। ये रोड प्रेजेंट जो है इसका डिफरेंट रहेगा, बाकी कलर अपने हिसाब से परचेज करते हैं। आपको कौन सा कलर पसंद है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन मेंशन करिएगा। मार्केट रिव्यू अभी तक जितने भी आ रहे हैं सभी पॉजिटिव जो है वो देखने मिल रहे हैं। कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट इतनी सारी वर्किंग के साथ में कई लोगों को कई सारी चीज़ें पसंद आती हैं, कई सारी चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, बट मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है सही लगा। सिर्फ एक सस्पेंशन जो है वो मुझे थोड़ा ड्रॉबैक लगा, हालांकि बाइक बहुत ही अच्छी है। एंड एक चीज़ और, जब भी बाइक परचेज कर रहे हैं तो उसका टेस्ट राइड जरूर लीजिए, टेस्ट राइड जो है जरूर लीजिए। एंड थैंक यू न्यू चांद्रा की रॉयल एनफील्ड हापा जो है उनने ये बाइक जो है प्रोवाइड की है। अगर आप चाहें तो वहाँ से आकर डेफिनेटली बुकिंग कर सकते हैं। डिलीवरीज का अभी अपडेट जो है इस पर अभी तक नहीं आया हुआ है, बुकिंग जो है वो स्टार्ट किया। आप जाके अपने नियरबाय शोरूम से टेस्ट राइड जो है ले सकते हैं और बुकिंग जो है करवा सकते हैं। यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखिए ब्लड ग्रुप ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए आते रहेंगे। बाय। It's not a game, it's a rage game.